नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिवनी, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए तरह तरह की सुविधा देने का डंका बजाती है, दूसरी तरफ किसानों का शोषण होता है। किसानों से एक कट्टी में 600 ग्राम गेहूं ज्यादा लिया जाता है, साथ में किसानों की गेहूं तुलाई के पैसे भी लेते हैं। जो किसान तुलाई के पैसे नहीं देते उन्हें दो दो दिन तक नंबर नहीं लगता या उन्हें खराब गेहूं कहकर वापस किया जाता है। खरीदी केंद्र में कोरोना के नियमों का पालन भी नहीं है। जनचर्चा का विषय है कि किसानों की गेहूं कम तुलाई की जाती है। इस मामले को लेकर धूमा थाने में भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि प्रशासनिक कार्रवाई किस तरह की होगी। धूमा गेहूं खरीदी केंद्र में जो किसानों की लूट हो रही है और किसानों की जो चोरी हो रही है, जिसके बाबत धूमा थाने में आवेदन दिया गया है और इस पे सख्त से सख्त निष्पक्ष जांच होना अति आवश्यक है और इस पे FIR होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि शासन को भी अंधकार में रखा जा रहा है और किसानों को भी अंधकार में रखा जा रहा है, जिसके बाबत किसान परेशान हो रहे हैं और वैश्विक महामारी से वो तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक मुसीबत से भी वो जूझ रहे हैं। किसानों से पैसा लिया जा रहा है और आम जनता भी प्रताड़ित हो रही है। इससे भ्रष्टाचार अति से अति बढ़ता जा रहा है और आज ये गांव या जिले की बात नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे देश की बात हो चुकी है। इसलिए अधिकारियों से अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें कार्रवाई नहीं, इसमें FIR हो और जो कर्मचारी हैं, जो कार प्रभारी हैं, उन पे निष्पक्ष जांच के साथ साथ उनको ये तुरंत पद से हटाया जाए। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धूमा द्वारा 51 किलो हर कट्टी में तुलाई ली जा रही है, जिसमें किसान आदमी से प्रति कुंटल 15 रुपए कुंटल का पैसा लिया जा रहा है, जिसमें से मैंने भी दिया हूँ और अन्य 4 किसानों ने भी दिया है। देखिए, धूमा में ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा श्रीवास्तव, इनकी ओर से एक लिखित आवेदन पत्र, शिकायत पत्र मेरे पास आया हुआ है। सोसाइटी प्रबंधक नंद किशोर यादव के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है कि सोसाइटी में गेहूं खरीदी को लेकर कुछ अनियमितताएं हैं, तो मेरे द्वारा उनकी जांच की जा रही है। खबर समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।